हेलो एवरीवन, देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम मिताक्षरा और दाय भाग के बारे में जानेंगे, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको भी समझेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है, जबकि दाय भाग जी मूतवाहन की रचना है। मिताक्षरा को मानने वाले संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़ के, जबकि दाय भाग को मानने वाले सिर्फ बंगाल और असम में पाए जाते हैं। दोस्तों, मिताक्षरा की 5 उपशाखाएं हैं। पहली उपशाखा वाराणसी उपशाखा है, दूसरी उपशाखा मिथिला उपशाखा है, तीसरी उपशाखा मद्रास उपशाखा है, चौथी उपशाखा मुंबई उपशाखा है, पांचवी उपशाखा पंजाब उपशाखा है, जबकि दाय भाग की कोई भी उपशाखा नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको भी हम समझते हैं। मिताक्षरा में दोस्तों, बच्चे जन्म लेते ही उत्तराधिकार को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दाय भाग में बच्चे पिता के मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकार को प्राप्त करते हैं। दूसरा अंतर दोस्तों, मिताक्षरा को मानने वाले पूरे भारत में पाए जाते हैं, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़ के, जबकि दाय भाग को मानने वाले सिर्फ बंगाल और असम में पाए जाते हैं। तीसरा अंतर दोस्तों, मिताक्षरा की रचना 11वीं शताब्दी के अंत और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई, जबकि दाय भाग की रचना 11वीं शताब्दी में की गई। चौथा अंतर है दोस्तों, रक्त संबंधित मिताक्षरा में उत्तराधिकार वही प्राप्त कर सकते हैं जो उसके सगे संबंधित हों या उसके पारिवारिक सदस्य हों, जबकि दाय भाग में उत्तराधिकार जो मृतक व्यक्ति का पिंडदान करेगा वही उत्तराधिकार को प्राप्त कर सकता है। पांचवा अंतर है दोस्तों, मिताक्षरा की 5 उपशाखाएं हैं, जबकि दाय भाग की कोई भी उपशाखा नहीं पाई जाती है। आई होप दोस्तों, दाय भाग और मिताक्षरा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।